वेलकम भूमि, वेलकम ओमकार। हम और एक मिनट वेट करेंगे, विल सी इफ एनीवन एल्स वुड लाइक टू जॉइन। गुड इवनिंग काजल। गुड इवनिंग प्राप्ति। गुड इवनिंग एमएल। ओके एंड गुड इवनिंग श्रेयस। ओके विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं आगे बढ़ता हूं। अभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग मेजरली सीखने वाले हैं। सी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सीखा था, क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स में। लॉगरिथम कैसे अप्लाई करना है सीखा, लॉग बुक के अंदर साइन कॉस टाइम कैसे ढूंढना है ये सीखा, एंड डिफरेंशिएशन सीखा, इंटीग्रेशन सीखा, मैक्सिमा मिनिमा सीखा। ये सारी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिए हैं। ओके सॉरी मैक्सिमम मेरे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ग्राफ में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये भी हम लोग ने सीखा। अभी आज जो मेनली हम लोग सीखने वाले, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके अब मैक्सिमा एंड मिनिमा बेसिकली क्या होता है। See, हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि कोई भी ऐसा फॉर एग्जाम्पल ग्राफ है, अभी ग्राफ देख के तो हम इजिली पता कर सकते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। लेकिन इक्वेशन देखकर फटाफट पता करना कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वो उतना ईजी नहीं होता। ओके इक्वेशन देखकर वो पता करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हम आज ये सीखने वाले कि मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा एक रैंडम से इक्वेशन दे दिया। अभी ये रैंडम सा जो इक्वेशन है इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे, उसके अंदर x के वैल्यूज डालोगे, तो x के आप जैसे वैल्यूज डालोगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो y का वैल्यू मिलेगा। मेरा सवाल है कि अब x का कौन से वैल्यू डालने पे आपको y का मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं। जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशंस, परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन द इक्वेशन, आई विल टीच यू टू एस्टिमेट कि वो इक्वेशन आपको y का मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर दे सकता है तो कितना दे सकता है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम नहीं दे सकता तो क्या वो मिनिमम दे सकता है क्या, अगर दे सकता है तो कितना दे सकता है एंड कहां पर दे सकता है। दो सवाल, कितना दे सकता है एंड कहां पर दे सकता है, एंड एक्चुअली तीन सवाल होंगे। पहली बात तो दे सकता है क्या सिखाऊंगा, दूसरी बात कहां दे सकता है और कितना दे सकता है। ओके लेट अस ट्राई टू लर्न वन बाय वन। अब कंसीडर कर लीजिए एक ग्राफ, ये ग्राफ है x वर्सेस y का। अब इस ग्राफ में अभी चलो रैंडमली मैंने ऐसा एक ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे सो इस ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। ओके सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैक्सिमा। ओके मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है। अब
अब मैक्सिमम वैल्यू अटेन होने के पहले अगर आप देखेंगे तो इसका एक जनरल प्रैक्टिस होता है ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सी अभी थ्रू आउट द ग्राफ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट द स्लोप इज वेरिंग ओवर हियर द स्लोप वाज गोइंग लाइक दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द स्लोप इज रियली स्टीप लाइक दिस यहां पर जैसे आती है स्लोप उसका ना थोड़ा जेंटल हो जाता है You know what a slope? Slope is basically the fluctuation in y as per the fluctuation in x. That is delta y upon delta x या फिर dy upon dx. जैसे maximum में पहुंच जाती है, maximum एक ऐसा spot है जहां पर slope एकदम horizontal होती है. मतलब the graph का tangent is horizontal. Horizontal tangent के केस में एक खास बात होती है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो x हल्का सा आगे बढ़ता है, लेकिन y आगे नहीं बढ़ता है. So at this particular point मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो slope है The slope is going to be zero. कहाँ पर? At the maximum point. ये this particular point जो है ना, इसको हम बुलाते हैं maximum. Okay? So this is a point where we get the maximum value. Okay? ठीक है. So we just understood कि initially the slope was very steep. ऐसा steep जा रहे थे, फिर थोड़ा gentle हो गया, फिर zero हो गया, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, over here it's coming down. And यहाँ पर अगर आप देखेंगे, so it is going further down actually. Over here it's going further down. So एकदम ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर gentle हुआ, then straight हुआ, then नीचे, then और नीचे. So जब एकदम ऊपर की तरफ थी, तो slope was very high. जब gentle हो गया, तो slope decrease हो गया. यहां पर जब आया तो स्लोप जीरो हो गया यहां पर जब गया तो स्लोप नीचे की तरफ मतलब वी से दैट द स्लोप इज नेगेटिव सो इनिशियली द स्लोप वाज पॉजिटिव विद अ वेरी हाई वैल्यू देन पॉजिटिव विद अ लो वैल्यू देन जीरो देन नेगेटिव विद अ लो वैल्यू देन मोर नेगेटिव विद अ हाई वैल्यू विच मीन्स आई कैन से इसको अगर मैं बाउंड्री के ऐसा डिवाइड करूंगा सो ओवर हियर आई कैन से हियर वी हैड पॉजिटिव स्लोप And here we have negative slope. And from this point, जैसे graph proceed हो रही है, वैसे positive का higher value से कम हो रही है, zero हो रही है, negative की तरफ जा रही है और बढ़ रही है. That means the slope is continuously decreasing from a higher value to a lower value. So I can say that the एक्चुअली कंक्लूड तो नहीं कर रही है इन दिस केस द स्लोप ऑफ द ग्राफ was continuously decreasing higher end से lower end की तरफ जा रही है decreasing है मैं काम करता हूँ decreasing को short form पे दिखाता हूँ नीचे की तरफ arrow बना के SING करके दिखाता हूँ that means decreasing okay so I believe अब तक कोई doubt नहीं होगा just मैं आपका comment check कर रहा हूँ In this case, the slope of the graph was उसके आगे comment load नहीं हुआ है actually. The comment is still loading. No problem. It is continuously decreasing. कौन? ये जो स्लोप है ना स्लोप ऑफ ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रही है अब डिक्रीज होता है अगर आप ध्यान देंगे यहां पर जब मैक्सिमम अटेन हुआ तो स्लोप को एक बार जीरो होना पड़ा उसके पहले वो पॉजिटिव था उसके बाद वो नेगेटिव था दैट मींस आई कैन से द मैक्सिमम व्हेन ग्राफ रीच्ड its maximum point okay if graph reached its maximum the slope which jisko main bula sakta hu dy by dx was equal to 0
यहां पर भी आप dy by dx करके लिख सकते हैं, स्लोप जिसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं dy by dx इक्वल टू जीरो। चलो मैंने dy by dx इक्वल टू जीरो लिख दिया। सो अब तक क्या सीखा हम लोग ने, जब मैक्सिमम पॉइंट अचीव होना था तो पहली बात तो स्लोप, इन दिस केस जो स्लोप है ना कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी एंड मैक्सिमम जब अचीव हुआ तब जाके स्लोप क्या था, जीरो था। ओके, एंड मैक्सिमम अचीव होने के लिए स्लोप डिक्रीज होना चाहिए एंड मैक्सिमम के टाइम पे स्लोप जीरो भी होना चाहिए। सो व्हाइल डिक्रीजिंग ऑन द गो बीच में एक पॉइंट आ रहा था जहां पर जीरो था, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। दिस इज अ सिचुएशन वेयर वी आर अचीविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ओके, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग x coordinate is where we get the max value. So इसमें जहां पर भी हमें ये max value मिल रही है इसका एक corresponding y coordinate भी है और एक corresponding x coordinate भी है। So इसका जो भी corresponding y coordinate होगा and इसका जो भी corresponding x coordinate होगा, so this y value is that value is the value of this equation। जैसे कि मैंने बोला कि maximum value मिलेगा, maximum value किसका, y का maximum value। so y का value इससे ज्यादा बढ़ी नहीं सकता, so this is the maximum जहां तक y पहुंच सकती है। and what is the significance of x, x वो value है जहां पर आपको ये maximum value मिल सकती है, इस x के value के अलावा आपको किधर भी maximum value of y नहीं मिल सकती है। तो ये मैंने significance आपको लिख के दिया। अब तक सभी को समझ में आया क्या, is it very clear? अगर clear है तो live chat पे बताइए and after that please note it down। इसके बाद मैं आपको minimum बताऊंगा and in fact ये भी अभी तक मैंने आपको calculate कैसे करना नहीं बताया, सिर्फ अब तक मैंने आपको एक ही hint बताया, in fact दो hint। maximum जब चाहिए होता है तो slope continuously decrease होती है, that's your first hint। दूसरा hint, maximum जहां पर भी होती है उस particular point पर slope zero होती है। so while it is decreasing from positive to a negative value, when it reaches zero, what the slope, when the slope reaches zero while decreasing from positive to negative value, at that particular point you will get the maximum value। बस इतना ही मैंने अभी तक hint दिया है। okay, इसके आगे minimum के लिए क्या होता है ये भी बताऊंगा, मैंने उसके बाद उसको calculate कैसे करके निकालना है ये भी बताऊंगा। please make a note of it। Yes, Denver. In this case, the slope of graph was continuously decreasing. Previously, your comment was not loading. That's the reason why I couldn't reply properly at that time. After writing this down, please done लिख लीजिएगा।
गया है, assuming that सभी का हो गया है। Okay, without any further delay, I'm proceeding further. ठीक है, हमने अभी जो सीखा that was for maximum case, okay? अभी maximum के अलावा minimum कैसे हम tackle करेंगे देखते हैं। ये रहा वापस आपका x and y, okay? Instead of maxima, see the major heading is maxima and minima. उसके अंदर का एक-एक sub heading हम लोग सीख रहे हैं। So maxima अभी हम सीखेंगे, minima. So minima में basically क्या होते हैं? Imagine कीजिए आपका graph है ना, ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको पीछे एक्सटेंड करेगा तो ऊपर पहुंचेगा, इसको आगे एक्सटेंड करेगा तो ऊपर पहुंचेगा। सो अपर लिमिट है क्या इसको कोई? नो, प्रीवियस केस में इसका उल्टा था। प्रीवियस केस में मैं वो बना के दिखाता हूं, प्रीवियस केस में इट वाज लाइक दिस। तो एक मैक्सिमम लिमिट जरूर होता है उसको, बट किसी ने अगर पूछा कि भाई मिनिमम है क्या उसको? नो, उसको कोई मिनिमम नहीं होता, यू नो व्हाई? बिकॉज़ ये पैराबोला है, पैराबोला को हम इनफिनिटी तक स्ट्रेच कर सकते हैं, इनफिनिटी तक स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना नीचे जाना है उतना नीचे हम लेके जा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम मिनिमम पे टच नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर इज नो मिनिमम फॉर द प्रीवियस ग्राफ व्हिच वी हैड लर्नड, जहां पर हमने मैक्सिमम देखा था। एंड यहां पर अगर मैं ग्राफ उल्टा बना रहा हूं, समथिंग लाइक दिस, something like this, ऐसे कुछ बना होगा, so there will be a minimum value, but there won't be a maximum value, because वो ऊपर की तरफ मतलब infinity तक जा सकती है, okay? This is the point where we have minimum value, और उसका minimum value of y, here we have minimum value of y, and here we have minimum value of x. मतलब not minimum value of x, x का value तो बढ़ता ही जाएगा, this is that particular value of x, जहाँ पर मुझे minimum value of y मिल रहा है, okay? So yes, इसके ब्रैकेट में आई विल डू वन थिंग, MIN लिख लेता, पिछले वाले के ब्रैकेट में MIX करके लिख लेना। अब यहां पर भी देखेंगे तो स्लोप का सेम स्टोरी होता है। इनिशियली द स्लोप वाज समथिंग लाइक दिस, स्टीप था, बाद में थोड़ा जेंटल हो गया, देन यहां पर देखो वापस जीरो हो गया। पिछली बार मैक्सिमम पे भी जीरो था, मिनिमम पे भी अगर देखोगे ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया एंड देन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, देन स्टीप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, हियर इट वाज गोइंग स्टीप डाउन, इट वाज अ नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव स्लोप, यहां पर नेगेटिव है बट स्टिल थोड़ा जेंटल हो गया, विच मींस समझ लीजिए यहां पर अगर माइनस 10 है तो यहां पर माइनस 5 है एंड देन यहां पर 0 है, देन आगे जाएंगे तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, देन इट बिकम्स प्लस 5 मे बी, देन और आगे जाएगा तो और स्टीप हो जाएगा, देन इट बिकम्स प्लस 10। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माइनस 10 माइनस 5 0 प्लस 5 प्लस 10, द स्लोप इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग। पिछली बार जहां पर डिक्रीजिंग हो रहा था, यहां पर इंक्रीजिंग स्लोप है, ओके? एंड यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सो इन दिस केस वी हैव नेगेटिव नेगेटिव स्लोप, इन दिस केस वी हैव पॉजिटिव स्लोप, सो आई शैल से नेगेटिव स्लोप, ओके? यहां से यहां तक, ओवर हियर वी हैव पॉजिटिव स्लोप, यहां से यहां तक, ओके? And obviously आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। So in this case I can say that slope is not decreasing, slope is increasing, okay? And the graph reached its minimum. Its minimum, the slope is again zero. इसका मतलब क्या होता है? Graph उसके maximum पे पहुंचे तो भी slope zero होता है, graph उसके minimum पे पहुंचे तो भी वो slope zero होता है। फिर आप बोलोगे सर दोनों में तो same ही होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मैक्सिमम आया है कि मिनिमम आया है? जैसे स्लोप आएगा, बात तो सही है, जैसे आप स्लोप निकालोगे आप एक चीज का तो तसल्ली रख सकते हो कि हाँ भाई बाकी सारे केसेस को आपने रिजेक्ट कर दिए, बचते हैं आपके पास दो केस, या तो वो मैक्सिमम रहेगा नहीं तो मिनिमम रहेगा। अब इन दोनों में से कौन सा करके कैसे पता चलेगा? पता चलने के लिए तो मैंने दूसरा पॉइंट बताया है। सेकंड पॉइंट पे आपको ये चेक करना है कि जब वो जीरो हुआ, जीरो होने के पहले और जीरो होने के बाद का स्लोप क्या चेक करो। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रही है तो समझ लेना कि जहां पर भी आपको स्लोप जीरो मिला ना, दैट पॉइंट इज अ मिनिमम पॉइंट। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रही है ना, दैट मींस आप समझ लेना कि जहां पर भी आपको स्लोप जीरो मिला, दैट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। दिस इज द टेक्निक टू
identify whether it is a minimum or a maximum. So the first point is to get the slope equal to zero. Then you will understand it is either minimum or maximum. Then whether to choose ki un dono mein se kaun hai, uske liye bas check karo ki increase ho rahi hai, decrease ho rahi hai. Increase ho rahi hai to minimum, decrease ho rahi hai to maximum. As simple as that. So yahan par the y coordinate of the point where the dy by dx gives zero gives the minimum value, and the corresponding x coordinate is where they get the minimum value. So बस इतना ही difference होगा. So minimum के लिए भी same explanation repeat होगा. So I believe I am very much clear. अभी थोड़ा और picture clear हो गया होगा. So please make a note of it. First of all, is it clear? साइन वेव सिग्नल रीडिंग के लिए हम ये प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हैं, बट एज इट इज नहीं, इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाके हम उसको यूज कर सकते हैं. Okay, let's proceed further. ठीक है, हमने यहां पर देख लिया कि भाई थियोरेटिकली मैक्सिमा और मिनिमा कैसे अचीव होती है, ओके, या फिर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है. अब चलो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. कोई भी चीजों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, सी आपको तो पता है कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, मैं हमेशा आपको थोड़ा थ्योरी बताता हूं और उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताता हूं. सो अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. सी मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, ये दो पॉइंट्स हमेशा याद रखना. मैक्सिमम अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहली बात मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो भी है वो निकालना होगा, सबसे पहली बात आपको डीवाई बाई डीएक्स जो है वो जीरो करना है. उसके बाद अगर स्लोप जो है, सी स्लोप अगर इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है मतलब, ठीक है, इफ स्लोप इज इंक्रीजिंग तो वो मिनिमम के कैटेगरी में जाती है. इफ स्लोप इज डिक्रीजिंग देन वो मैक्सिमम के कैटेगरी में आती है. ये दो कैटेगरीज देख के रख लेना, ओके, ठीक है. अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं. सी जब मैं आपको बोलता हूं कि स्लोप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है. स्लोप इंक्रीजिंग मतलब अभी dy by dx इज द स्लोप. अब ये चीज बढ़ रही है कम हो रही है ये कैसे पता करेंगे. इसका मतलब मुझे बेसिकली क्या पता करना है, चेंज पता करना है. सी बढ़ना मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी होता है चेंज होता है. अब कोई भी चीज जब बढ़ती है तो मैं बोलूंगा कि उसका जो चेंज होता है,
चेंज पॉजिटिव होता है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, वेन एवर एनीथिंग इज इंक्रीजिंग आई से दैट इट इज चेंजिंग पॉजिटिवली, द चेंज इज पॉजिटिव. वेन एवर एनीथिंग इज डिक्रीजिंग वी कॉल दैट द चेंज इज नेगेटिव. ये तुम लोग ने शायद स्कूल लेवल में भी कहीं ना कहीं पर देखा होगा. ओके, whenever the heat is lost, we say that the heat energy is negative. And whenever the heat energy is gained, we say that the heat energy is positive. Because when it is gaining, the change is positive. मतलब बढ़ रही है. जो भी चेंज बढ़ने पे होता है उसको पॉजिटिव चेंज बोलता है, जो भी चेंज घटने पे होता है उसको मैं नेगेटिव चेंज बोलता हूँ. ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, because it's like if मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे फॉर्मुलेट करता हूं, ये थोड़ा ज्यादा विजुअलाइजेशन में आपको ज्यादा हेल्प करेगा. फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम द स्लोप इंक्रीजेस. स्लोप इंक्रीजेस मतलब दैट इज, मैं बोल सकता हूं चेंज इन स्लोप, change in slope is positive. Okay, slope increases का मतलब the change in slope is positive. Okay, that is change मतलब differentiation of slope मतलब dy by dx is positive का मतलब it is greater than zero. मतलब आपको ये चेक करना है कि व्हेन आई से कि भाई मिनिमम के लिए स्लोप बढ़ना चाहिए, दैट मींस मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर भी आपको स्लोप बढ़ता हुआ दिखाई देगा वहां पर वो मिनिमा है करके आप समझ जाने का. अब स्लोप बढ़ रहा है करके कैसे पता चलेगा, स्लोप को देखो, उसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करना मतलब चेंज करने का ही होता है. ओके, डिफरेंशिएट करना मतलब एलिमेंट्री, हल्का सा एलिमेंट्री चेंज हम लोग देखते हैं. सो ये एलिमेंट्री चेंज एक बार देख लो, ये एलिमेंट्री चेंज को जस्ट मॉनिटर करो कि भाई वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर वो पॉजिटिव चेंज है मतलब वो बढ़ रही है, इट्स अंडरस्टूड. तो इसको मैंने अगर लिख लिया तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि ये डिफरेंशिएशन dy / dx का डिफरेंशिएशन, मतलब स्लोप निकालने के लिए एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे उसको एक और बार डिफरेंशिएट करना, एंड डबल, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. डबल डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, d स्क्वायर y / dx स्क्वायर. देखो ना, dx 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 स्क्वायर d स्क्वायर y, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. So in short, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैक्सिमम है या मिनिमम है, आपके पास जो भी इक्वेशन होगा आपका स्टेप वन होगा कि भाई एक बार डिफरेंशिएट करो, मतलब स्लोप निकालो, फिर उसको इक्वल टू जीरो कर दो. जैसे आप उसको इक्वल टू जीरो कर दोगे वैसे ही सारे पॉसिबिलिटीज इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज बचेंगे, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम. अब उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करना होगा तो क्या करने का, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, एंड सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद चेक करो कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. अगर वो ग्रेटर देन 0 है मतलब स्लोप बढ़ रही है, अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है मतलब मिनिमम है. सिमिलरली फॉर मैक्सिमम, अभी अभी हमने सीखा दैट द स्लोप डिक्रीजेस, that is change in slope is negative, is negative. That is the change matlab differentiation of slope matlab dy / dx is negative, matlab less than 0. That is d square y / dx square will be less than 0. So you just have to check for this condition. If this condition, you are achieving this condition, it means you have reached the maximum value. If you are achieving this condition, it means you have reached the minimum value. I believe I'm very clear. Am I clear? इसको ये खत्म नहीं हुआ, इसको मैं और अभी देखो एक एक करके थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों का. पहले मैं आपको थोड़ा जेनरिक व्यू दिया, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला व्यू दिया, अब इस चीज को कैसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना वो भी बताना बाकी है. अब तक क्लियर है क्या? जस्ट लेट मी नो वाई द लाइव चैट.
ओके, एज आई कैन सी ओमकार, श्रेयस, एमएल, भूमि, इतने लोगों का तो हो गया. व्हाट अबाउट प्राप्त, अच्छा प्राप्ति का भी हो गया. व्हाट अबाउट काजल, आपका हो गया काजल? ओके, दैट्स ग्रेट. सो आई एम अज्यूमिंग सबका हो गया होगा. साजिद एंड सिल्विया, दे कैन नॉट रिप्लाई वाया लाइव चैट, सो इसी वजह से मे बी उनका अटका होगा, या फिर आई एम अज्यूमिंग कि उनका भी हो गया होगा. सी, जिनका नहीं हुआ होगा बाय एनी चांस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. अब चलो ये मैक्सिमम मिनिमा को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड वेदर द इक्वेशन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू और अ मिनिमम वैल्यू. ओके, तो एग्जाम्पल के साथ ही, दिस इज योर हेडिंग. ओके, सो हम सीखेंगे तो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप वन, टेक dy by dx इक्वल टू जीरो. दैट्स योर स्टेप वन. एग्जाम्पल के तौर पे, If y is equal to x square plus 2x minus 3, just example के तौर पे लिया मैंने, then what do you have to do in the first place? You just have to differentiate dy by dx. तो इसका differentiation क्या आएगा? X square का differentiation becomes 2x, 2x का differentiation becomes 2. माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन बिकम जीरो, एंड दिस इज योर dy by dx. इसको क्या करना है आपको? इक्वल टू जीरो से इक्वेट करना है. अभी व्हेन यू इक्वेट, ठीक है, ये तो आपको मिल गया. ठीक है, इसको मैं इक्वल टू जीरो पहले लिख लेता हूं, देन यहां पर dy by dx के जगह पे इसका डिफरेंशिएशन लिख लेता हूं, 2x plus 2 equal to 0. तो इसमें से आपको क्या मिलेगा? x equal to minus 1 करके आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा. See, इसमें से आपको क्या मिला? मैंने आपको पहले बोल दिया कि dy by dx equal to 0 कहां पर होता है? या तो मैक्सिमम पे, नहीं तो मिनिमम पे. इसको सॉल्व करने से फॉर्चुनेटली हमें x का एक वैल्यू मिल गया. इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू जब माइनस वन है, तब जो ग्राफ है वो या तो मैक्सिमम है, नहीं तो मिनिमम है. बट वी आर नॉट श्योर कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. वी आर नॉट श्योर, बट वी आर श्योर ऑफ वन थिंग कि x इक्वल टू माइनस वन पे या तो मैक्सिमम है, नहीं तो मिनिमम है. सो देयरफॉर एट x equal to minus 1, we have either y max, मतलब y का maximum value है ना, either y max or y min, इतना समझ लेना. So this is your step 1, कि भाई differentiate करो equal to 0 के साथ, उसके बाद find x. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, step 1, take dy by dx equal to 0 and find x. Okay, therefore it will be either at y min ya fir y max, kuch na kuch to hai wahan par. Ab step 2 ke taraf jate hain. Step 2, check if double differentiation of y is greater than 0 or less than 0. Is it greater than 0 or less than 0? ये आपको चेक करना है. आपको तो पता है कि greater than 0 है तो वो मिनिमम रहेगा, मतलब x equal to minus 1 पे मिनिमम है अपने पास, less than 0 है तो x equal to minus 1 पे मैक्सिमम है अपने पास. ओके, एनीवे, एग्जाम्पल,
मतलब इसी चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी यही इक्वेशन किधर गया, इसी चीज को मैं वापस डबल डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। सो एग्जाम्पल वापस इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी व्हाट, dy by dx का वैल्यू क्या है भाई, 2x plus 2 है ना, तो डाल दीजिए 2x plus 2 इसका डिफरेंशिएशन। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 मिलेगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 है। सो इसका डिफरेंशिएट करने का आपको आंसर डायरेक्टली मिल गया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब सवाल ये है, चेक करो कि भाई ये 2 इज इट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड सिंस यू नो दैट द डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 है, तो dy by dx equal to 0 जो भी पॉइंट में मिला है वो पॉइंट क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है, y min होता है, y max होता है, लाइव चैट पे लिख के बताइए मुझे, y min और y max जल्दी बताइए। श्रेयस बोल रहा है मैक्सिमम, वापस पूछ रहा हूं मैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वापस सोच के बताइए जरा एक बार। यस ओमकर, मिनिमम होगा। श्रेयस आप एक बार वो पिछले वाले नोट्स अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने बताया था कि व्हेन द स्लोप इज इंक्रीजिंग मिनिमम अचीव होता है, एंड व्हेन द स्लोप इज डिक्रीजिंग उस टाइम पर मैक्सिमम अचीव होता है, उल्टा होता बेसिकली। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम अचीव होता है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, ये सिंस इट इज ग्रेटर देन 0 मैं बोलूंगा देयरफॉर वी हैव y मिनिमम एट किधर, जहां पर भी स्लोप इक्वल टू 0 है, स्लोप इक्वल टू 0 कहां पर है, x इक्वल टू माइनस 1 पे है, तो एट x इक्वल टू माइनस 1 पे हमें y मिनिमम है। अभी किसी ने पूछा कि बताइए यार y मिनिमम का वैल्यू क्या है, बस बहुत सिंपल है यार, x इक्वल टू माइनस 1 को यहां पर डाल दो, डाल दोगे तो y मिनिमम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो y मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1 यहां पर डाल रहा हूं मैं, आई विल बी गेटिंग माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2 माइनस 3 दैट विल गिव यू माइनस 4। सो माय y मिनिमम का वैल्यू इज माइनस 4 व्हिच इज अचीव्ड एट x इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ माय ग्राफ। सो ग्राफिकली स्पीकिंग ये जो है x इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू माइनस 4 जो है ना वो कुछ इधर आएगा। x equal to minus 1 समझ लेता, y equal to minus 4 समझ लेता, this is the point. तो the graph is like this. तो क्या इस graph को कोई maximum, see, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस graph को एक maximum value होगा? Will it have a maximum value or not? Yes or no? Yes for maximum value है, no for maximum value नहीं है। इस example के लिए, बताइए live chat पे। वापस मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस ग्राफ को एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या विल इट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू? से मैं पीसी की तरफ देख रहा हूं एक्सपेक्टिंग कि आपकी तरफ से एक आंसर आएगा, आपकी तरफ से आंसर नहीं है तो मुझे खुद ही आंसर करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, सी ओमकर हम वैसे नहीं बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो मतलब वाई का वैल्यू, वाई मैक्स का वैल्यू जीरो है, ऐसे होता है, बट नो ऐसा नहीं होता है। सी इसका मैक्सिमम वैल्यू इज एट इनफाइनाइट, सो इन शॉर्ट देर इज नो प्रैक्टिकल मैक्सिमम वैल्यू, नो इट इट डज नॉट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो द आंसर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो नॉट जीरो मैक्सिमम वैल्यू। यू कैन व्हेन यू से जीरो यू आर डिफाइनिंग अ नंबर, यू आर डिफाइनिंग अ वैल्यू, बट व्हेन यू से नो यू आर सेइंग दैट देयर इज नो वैल्यू, बात खत्म। ओके, सो यस इन शॉर्ट What I'm trying to say is minimum value इस graph को जरूर है, but maximum value इस graph को कहीं पर भी नहीं है। I believe maximum minimum find करने का तरीका clear है। Is it clear? Live chat पे बताइए। Great, great, बहुत ही बढ़िया। लिख लीजिए प्लीज,
कि काजल का हो गया, श्रेयस का हो गया, व्हाट अबाउट प्राप्ति, व्हाट अबाउट ओमकार, व्हाट अबाउट एमएल? Prapti, Emil, I'm waiting for you guys. Okay, I'm assuming कि आप लोगों का हो गया है. Should I continue? Just give me a yes or no. Proceeding further. See, कोई कोई situations ऐसे हो सकती है, ये दो ही step हमेशा ही follow करना है आपको. कोई कोई situations मैं आपको ना एक थोड़ा different situation बताता हूं, एक सम बताता हूं. एक्स स्क्वायर y is equal to x cube upon 3 plus 2x square plus 3x minus 2. आपको सेम स्टोरी, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वही चीजें करना है आपको. फाइंड मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है. ये कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. अभी रेस टू 3 के पॉलिनोमियल्स अगर आएंगे तो कैसे, या फिर रेस टू 4, रेस टू 5 जो है उसको कैसे टैकल करना, उसका एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं मैं. ओके, तो स्टेप 1 तो एज यूजुअल आपको पता है, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है. y को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेस टू 3 अपॉन 3, x रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस
3 का डिफरेंशिएशन आज 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो दिस इज योर डिफरेंशिएशन, इसको आपको इक्वल टू 0 करना है. यहां पर अगर आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा x² + 4x + 3 = 0. यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है. देखो पिछली बार कैसा था, डायरेक्टली x का वैल्यू आ गया था, टेंशन नहीं था, बट यहां पर डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं आ रहा. यहां पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं, इसको आगे सॉल्व करना है. मैंने आपको स्टेप 1 में क्या बताया, dy/dx = 0 करो और x फाइंड करो बाय हुक और क्रूक. x सीधा मिले या नहीं मिले, आपको तो x फाइंड करना ही है, बात खत्म. दैट्स योर स्टेप 1. तो स्टेप 1 इसके आगे बढ़ेगा, x फाइंड जब तक हम नहीं करते तब तक आगे बढ़ेगा. एक वैल्यू हो या दो वैल्यू हो या तीन वैल्यू हो या 10 वैल्यू हो, x के सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं आपको. ओके, तो यहां पर x अगर निकालने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन के हिसाब से, मैं इसको कर सकता हूं 3 + 1 और 3, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो x + 3 and x + 1 करके मैं इसको तोड़ सकता हूं, जिसमें से मुझे मिलेगा x = -3 and x = -1. सो बेसिकली मेरे पास क्या है, x के दो वैल्यूज है. प्रिंसिपल पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. कैसे था, हम लोग अभी x = -1 पे भी या तो मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम है, नहीं, एंड x = -3 पे पर भी मुझे मैक्सिमम या मिनिमम है, मेरे पास है, तो मैं दोनों निकालूंगा और देखूंगा कि कंपैरेटिवली उनमें से कौन ज्यादा मैक्सिमम है यार, कौन ज्यादा मिनिमम है, वो जो भी रहेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, चलो चेक करके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये तो स्टेप 1 तो मेरा इधर खत्म हो गया, अब स्टेप 2 की तरफ जाना है, जहां पर डबल डिफरेंशिएशन करके उसको ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है ये मैं कंपेयर करता हूं. सो स्टेप 2 इट्स लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx जो है वो निकालना है मुझे. दैट विल गिव मी डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx कितना गया भाई, ये dy/dx करने का ये मिला ना मुझे ये. सो दिस इज माय dy/dx है ना, दिस इज माय dy/dx. तो ये वैल्यू इधर डाल देता हूं, x² + 4x + 3. ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड टाइम. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो मुझे बेसिकली 2x + 4 मिल गया. अब आप सोचोगे यार डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर है दैट इज d²y/dx², ये मुझे मिला 2x + 4. पिछली बार कैसा था, डायरेक्ट एक नंबर मिला था, वो हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कंपेयर करके हम लोग ने चेक किया था, बट यहां पर डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है यहां पर, तो x से आप क्या करें. सी माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया कि आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम है वो सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज पर ही है. तो x को भले 1000 वैल्यू प्रैक्टिकली हो, बट आपको चेक सिर्फ दो वैल्यूज पे करना है, इन दिस केस x = -1 और x = -3. इधर जितने भी वैल्यूज मिलेंगे, 2 तो 2, 3 तो 3, 10 तो 10, 1 तो 1, व्हाटएवर इट इज, यहां पर दो वैल्यूज है, तो दोनों डाल के देखिएगा एंड दोनों के लिए चेक कीजिएगा कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. सो मैं चेक करूंगा फॉर x = -1, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y will be equal to 2 × -1 + 4, that is -2 + 4, आपको क्या मिलेगा +2, which is greater than 0. So इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है. दूसरा चेक कर रहा हूं फॉर x = -3, x = -3 के लिए भी चेक करना है आपको. सो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x² = 2 × -3 + 4, this will give you -6 + 4, that is nothing but -2, which is less than 0. So इसका मतलब क्या होता है, therefore at x = -1 ये greater than 0 है, तो greater than 0 तो आप जानते हो कि minimum value आना चाहिए, तो y minimum क्या रहेगा, कैसे निकालेंगे, x = -1 को यहां पर डाल दीजिए इसी equation पे, -1 raised to 3 upon 3 + 2 × -1 raised to 2 + 3 × -1 - 2. इसी इक्वेशन पे माइनस वन डाल दिया एंड बाकी तो आपको पता ही है, -1/3 + हाँ +2 - 3 - 2, तो +2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, -1/3 ये एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 हो गया, कुल मिलाकर -10/3 आएगा आपका
y minimum. So this is your minimum value at x equal to minus 1. Okay. Similarly, आप क्या करेंगे? At x equal to दूसरा वाला वैल्यू माइनस 3 आप निकालेंगे. At x equal to minus 3 में आपको जो मिलेगा वो y max मिलेगा. तो इसके जगह पे आपको minus 3 डालना है. तो मैं calculations directly कर रहा हूँ. Minus 3 तो 3 cancel हो जाएगा. तो इसमें बचेगा 9. ये हो जाएगा minus 9. Okay. And इस पे 3 square 9 and 2 is 18. इस पे 3 आ जाएगा. Minus 3 minus 9 आएगा वापस. और इस पे minus 2 आएगा. कुल मिलाकर आपको y max का वैल्यू मिलेगा माइनस 2. सो इसका मतलब क्या होता है? जब x इक्वल टू माइनस 3 हुआ तो उस टाइम पर y max आपको मिला माइनस 2. x इक्वल टू माइनस 1 पे y min मिला आपको माइनस 10. तो ग्राफ जो है ना, या ये सारे के सारे नेगेटिव पे चल रहा है ना, तो मैं ये ग्राफ इधर बना के दिखाता हूं. ये दोनों नेगेटिव वाले ग्राफ है, माइनस x माइनस y. तो x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 3. ये रहा माइनस 1, ये रहा माइनस 3. ओके. एंड y जो है, y मैक्सिमम माइनस 2 पे और माइनस 10 बाय 3. ये रहा मान लीजिए माइनस 2 और ये रहा माइनस 10 बाय 3. सो आपका इंटरसेक्शन क्या है? माइनस 1 पे माइनस 10 बाय 3 मिल रहा है. दिस इज योर पॉइंट. एंड माइनस 3 पे माइनस 2 मिल रहा है. दिस इज योर पॉइंट. तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है. सो ग्राफ में भी कुछ इस तरह जा रही है, ऐसा साइन वेव की तरह जा रही है. तो उसको मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है. तो x रेज टू 3 वाला ऐसे इक्वेशंस, ऐसे सिचुएशंस आए, इसी वजह से आपके पास मल्टीपल मैक्सिमम्स और मल्टीपल मिनिमम्स मिले हैं. अदरवाइज आपको ऐसे मल्टीपल मैक्सिमम्स और मल्टीपल मिनिमम्स नहीं मिलते थे. तो x का ऑर्डर जैसे बढ़ता जाएगा वैसे में भी दो दो मैक्सिमम मिल सकते हैं, दो दो मिनिमम मिल सकते हैं. चार अगर रहेंगे ना, दो मैक्सिमम दो मिनिमम मिलेंगे. तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? अगर दो मैक्सिमम मिल रहा है, एक है 2, दूसरा है 4, तो आपको बेसिकली मैक्सिमम चाहिए. तो आप क्या चूज करोगे? 4 चूज करोगे. सिमिलरली दो मिनिमम मिल रहा है, एक है माइनस 2 और एक है माइनस 4. आपको क्या चाहिए? सबसे नीचे वाला चाहिए, तो माइनस 4 चूज करोगे. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एम आई क्लियर? लाइव चैट पर रिप्लाई कर दीजिए प्लीज. ओके. Prapti said that there were some net issues, that's why you were not able to reply. That is not a problem, my dear child. So fine, if you guys are clear, please note it down. Hone ke baad done bata dijiye sirf. As I can see, सभी लोगों का हो गया है. Okay, dear students. So, आज के दिन में पूरा मैक्सिमम मिनिमम सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है करके मैं अज्यूम कर रहा हूं. एज अ होमवर्क मैं आपको दो सम्स दूंगा ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे. ओके. y is equal to minus 2x square plus 3x minus 2. y is equal to
4x³, ठीक है छोड़ो, x² प्लस 10, ये दो इक्वेशंस है, सिंपल इक्वेशंस ही दिए मैंने, ये सिंपल इक्वेशंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तीसरा वाला y इज इक्वल टू मे बी 3x³, ठीक है x³ प्लस, इसको मैं एक काम करता हूँ, x³ रहेगा तो 3x² आएगा ना, x³ अपॉन 3 माइनस 4x² प्लस 5 प्लस 4x माइनस 2, ये ले लीजिए इक्वेशन। ऐसे तीन इक्वेशंस मैंने दिए हैं, वही सेम स्टोरी, आपको मैक्सिमम है, मिनिमम है, कहां पर है, कैसा है, ये आपको निकालना है। ये निकाल के आप मुझे फोटोज निकाल के व्हाट्सएप पे सुमैया मैडम को भेज दीजिएगा, सुमैया मैडम इसको करेक्ट करके वैलिडेट कर देगी। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी हो जाएगा। आई बिलीव आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा होमवर्क। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।